क्वेश्चन नंबर 35 जून 2010। देखो इसने क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स। हाँ, जो लबी लेटेस्ट पीडीएफ भेजी है उसमें कंप्लीट क्वेश्चंस है ना। एबीसी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। ऑल द प्रोडक्ट्स यूज द सेम रॉ मटेरियल विच इज स्केयर एंड अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 61,000 केजी ओनली। तो बताइए मेरा की फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर मेरा रॉ मटेरियल इन क्वांटिटी अगर मेरा की फैक्टर है तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हमारी स्टेप वन, हमें एक रैंकिंग स्टेटमेंट चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। रैंकिंग स्टेटमेंट देखिएगा, हमारे प्रोडक्ट हैं एक्स वाई और जेड। सबसे पहले मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस, तो मुझे दे रखी है 100, 140 और 90। ये तो मेरे पास सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से अब हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास 75, 110 और 65। ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 का कंट्रीब्यूशन, 30 का और 25 का। अब जो चीज स्केयर है, जो चीज लिमिटेड है, हम देखते हैं उसका कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो आपको दे रखा है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 5 केजी लगता है, एक यूनिट को बनाने में 8 केजी लगता है और एक यूनिट को बनाने में 6 केजी लगता है। ये लीजिए, आपको ये भी पता लग गया। यानी अब आप देखिएगा, अगर आप 25 रुपए कमाते हो तो 25 रुपए कमाने के लिए आपको 5 केजी का कंजम्पशन करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था, अब हम निकाल लेंगे। सर एक बार आप वो लाइन वापस बताओगे क्या, जो भी अपने होता है जो स्केयर रिसोर्स वाली। भाई स्केयर रिसोर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्स क्या है हमारा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है ना। हाँ, तो बस मुझे क्वांटिटी का कंजम्पशन चाहिए पर यूनिट। जो चीज स्केयर होती है उसी को हमें लेना होता है, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। तो 25 डिवाइड बाय 5, 5 आ गया। 30 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 8, 3.75। और 25 डिवाइडेड बाय 6, यानी 4.16 या 17, 4.17 आ जाएगा। चलिए अब हम रैंकिंग दे सकते हैं। रैंकिंग सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इसका है तो फर्स्ट रैंक इसको मिलेगी,
फिर सेकंड रैंक इसको मिलेगी और थर्ड रैंक इस प्रोडक्ट को मिलेगी। ये लीजिए, अगर मेरा क्वेश्चन की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर अप्रोच का है तो सबसे पहले जो की फैक्टर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लो। तो यहां पर मेरा जो की फैक्टर था वो रॉ मटेरियल इन केजी जो था वो की फैक्टर था। मेरे पास 61,000 केजी ही अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैंने पहली स्टेप लगाई और कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लिया, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पर मैंने अपनी रैंकिंग प्रोवाइड कर दी। दैट इज अवर स्टेप नंबर वन। अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट, या इसी को मैंने नाम दिया था एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब इसको ही अपने को समझना है। बस देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है। 61,000 टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल 61,000। प्रोडक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स और रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझो। मुझे बताइए सबसे पहली रैंक किसकी है आपकी? सर एक्स की। तो यानी मैं सबसे पहले जो बनाऊंगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनाऊंगा? एक्स। अब ध्यान से देखो, एक्स की मार्केट डिमांड है 5,000, तो क्या मैं 5,000 से ज्यादा बनाऊंगा? भाई डिमांड से ज्यादा हम कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर डिमांड से ज्यादा बनाओगे तो वो बिकेगा ही नहीं, तो वो फिर आपके रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनो, 5,000 यूनिट बनाऊंगा और ऊपर दे रखा है एक यूनिट को बनाने में मेरा 5 केजी का कंजम्पशन होगा, तो बताओ 5,000 यूनिट बनाने में कितना कंजम्पशन हो गया? 25,000। लो, 61,000 मेरे पास अवेलेबल था, उसमें से 25,000 मैंने खर्च कर दिया, तो अब मेरे पास बचा 36,000 केजी। इसके बाद बनाऊंगा मैं जेड, क्योंकि सेकंड रैंक मेरी किसकी थी? जेड की। जेड देखो, ध्यान से देखना, 4,000 यूनिट की डिमांड है और एक यूनिट को बनाने में 6 केजी लगता है, तो 24,000 मेरे पास अवेलेबल है, तो पूरा बना दो। यस सर। तो जेड की बना दूंगा 4,000, एक यूनिट को बनाने में 6 केजी, तो मेरे पास 24,000 यूज हो गया। ये लीजिए, तो 36 माइनस 24, अब मेरे पास कितना बचा? 12,000। अब तो बचा ही कौन सा प्रोडक्ट है? सर वाई। तो वाई में पूरा 12,000 यूज करूंगा ताकि ये निल हो जाए। यस सर। वाई की एक यूनिट को बनाने में 8 केजी लगता है, तो बताओ अगर 12,000 केजी यूज करूंगा डिवाइड बाय 8, तो वाई की कितनी यूनिट बन पाएंगी? 1500। डिवाइड बाय 8, तो Y की बन पाएंगी 1500 यूनिट। ये मेरा प्रोडक्ट मिक्स आ गया। यानी जो 61,000 मेरे पास अवेलेबल है, जब मैं उस 61,000 को अकॉर्डिंग टू द रैंक यूज करूंगा, तो X बनाऊंगा 5,000, Y बनाऊंगा 1500 और Z बनाऊंगा 4,000, और इससे मेरा ये जो टोटल मटेरियल अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। सर अगर ये कभी पॉइंट में आए मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स तो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, राउंडेड ऑफ ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा, ये हमारी स्टेप टू हो गई, बना लीजिए इसको। बस सिंपली जितना मटेरियल अवेलेबल था उस अकॉर्डिंग रैंकिंग के हिसाब हम चलते गए।
अब हमें पता लग गया कि कौन कौन सी यूनिट कितनी कितनी बनाएंगे, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेंगे कि भैया हम इसको अगर फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे। तो स्टेप थ्री में प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट सबसे पहले निकालूंगा टोटल टोटल कंट्रीब्यूशन एक्स वाई और जेड। एक्स की बनाई 5000 यूनिट, वाई की मैंने बनाई है 1500 यूनिट और जेड की मैंने बनाई है 4000 यूनिट। इनका कंट्रीब्यूशन चेक करो ऊपर, तो कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं एक्स से 25, वाई से 30 और जेड से 25। ये इनका पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं मैं, जितनी यूनिट बेचूंगा मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन। तो 5000 इंटू 25, 125, 1500 इंटू 30 यानी 45,000 और 4000 इंटू 25 100,000, ये टोटल कमाऊंगा। 100,000 प्लस 45 प्लस 125 270, 1,50,000। तो ये लीजिए, ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 270 माइनस 150 यानी 1,20,000। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस तीन स्टेटमेंट लगनी है, सबसे पहले रैंकिंग, रैंकिंग के बाद आपको बनाना है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस से आप जो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालोगे उन नंबर ऑफ यूनिट्स को लेकर आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेना है। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। अब अपन और क्वेश्चन करते हैं की फैक्टर को चेंज करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 53 निकालेंगे, जून 2009 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन नंबर 53। सीएमए जून 2009। देखो, न्यू इंडिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसेस थ्री कंपोनेंट्स ए बी एंड सी एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर प्रोवाइडेड। सेलिंग प्राइस दी हुई है, मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, लेबर पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, एस्टिमेटेड सेल यूनिट्स दी हुई है और मशीन आर्स पर यूनिट दिया हुआ है कि एक यूनिट को बनाने में इतने इतने मशीन आर्स लगेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट 1,00,000 है। ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ वन ऑफ द मशीन कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 12,000 मशीन आर्स ओनली एंड दिस इज नॉट सफिशियंट टू मीट द टोटल सेल्स डिमांड। बताइए की फैक्टर क्या है मेरे पास? मशीन फैक्टर है मेरे पास मशीन आर्स। जो आपको कितने दे रखे हैं 12,000। तो यानी अगर मुझे रैंकिंग या डिसीजन लेना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर आर ऑफ मशीन।
पर मशीन आर। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने ये दो बातें लिख दी, क्या चीज मेरा की फैक्टर है और मेरा उसका डिसीजन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या निकालना पड़ेगा। अब हमारा काम वही है, सबसे पहले स्टेप वन रैंकिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, ए बी सी तीन प्रोडक्ट हैं, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 60, 55 और 50। आइएगा वेरिएबल कॉस्ट, इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है मटेरियल, तो मटेरियल पर यूनिट है 20, 18 और 15। फिर लेबर भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, लेबर हमें दे रखी है 15, 14 और 12। ये हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गई। देन वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं 13, 13 और 17। तो वेरिएबल जो 13, 13, 17 की है ना, तो वही लिखा है मैंने 13, 13, 17। तो सर ये कहां से लिखी वेरिएबल कॉस्ट? ये तो टोटल क्या हुआ? अच्छा तीनों में लिखा है। अगर इन तीनों को हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। लीजिए 60 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 13, 12 रुपए तो यहां आ गया, 55 माइनस 18 माइनस 14 और माइनस 13 10 आ जाएगा, 50 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 17 6 आ जाएगा मशीन आर्स पर यूनिट। अब हमें एक यूनिट को बनाने में यहां पर 6 आर्स लगते हैं, यहां पर 2 आर्स लगते हैं और यहां पर हमें 1 आर लगता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर मशीन आर 12 डिवाइडेड बाय 6 तो 2 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 6 डिवाइडेड बाय 1 6। रैंकिंग, सबसे पहली रैंक मिल गई इसको, सेकंड रैंक इसको और थर्ड रैंक इसको। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने अपनी स्टेप वन लगा दी और रैंकिंग स्टेटमेंट बना लिया। बोलो समझ आ रहा है? वही स्टेप्स चलेंगी, बस मेन आपको याद रखना है की फैक्टर क्या है, क्योंकि जो की फैक्टर होगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर ढूंढना है कि आपको उस की फैक्टर के यूटिलाइजेशन की वजह से क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अब हमने जब रैंकिंग निकाल ली तो अब स्टेप टू में प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे। थोड़ा सा एक मिनट, ये लीजिए अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट। बना लिया ये ऊपर? यस सर। आओ टोटल आर्स अवेलेबल बताओ, मुझे टोटल कितने आर्स अवेलेबल हैं? 12,000 मेरे पास टोटल आर्स अवेलेबल हैं। अब कॉलम बना दो, पहला कॉलम प्रोडक्ट,
मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स आर्स पर यूनिट। बहुत ध्यान से समझना, पहली रैंक किसकी थी हमारे पास? सी प्रोडक्ट की। सी। अब बताओ सी की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 2000। तो हम 2000 से ज्यादा नहीं बनाएंगे। 2000 लीजिए, 2000। एक यूनिट को बनाने में 1 आवर लगेगा, तो हमारे कितने आवर्स यूज हो जाएंगे? 2000। अब हमारे पास बचेंगे 10,000 आवर्स। सेकेंड रैंक हमारी थी बी प्रोडक्ट की। बी प्रोडक्ट की भी डिमांड 2000 है, एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगेंगे, तो इसका मतलब 4000 आवर्स यूटिलाइज हो गए। अब बचे कितने? 6। अब हम ए बनाएंगे, तो ए बनाएंगे तो पूरे 6000 आवर्स यूज करेंगे ताकि ये निल हो जाए। एक यूनिट को बनाने में 6 आवर्स लगते हैं। 6000 डिवाइडेड बाय 6, हम 1000 यूनिट बना देंगे। ये लीजिए, ये मेरी स्टेप 2 तैयार हो गई, ये मेरे पास स्टेप 2 आ गई। ये जितने आवर्स मेरे पास अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने एक प्रोडक्ट मिक्स बना दिया, और उसके द्वारा मैंने ये निकाल लिया कि मैं किस प्रोडक्ट की कितनी कितनी यूनिट बनाऊंगा। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में केवल है ना कॉन्ट्रीब्यूशन तक मांगा है, प्रॉफिट नहीं मांगा। हालांकि हम दोनों निकाल सकते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट दी हुई है, बट क्वेश्चन ने आंसर मांगा है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल कर बताइए बस। तो ठीक है, हम केवल कॉन्ट्रीब्यूशन तक निकाल देंगे। तो लीजिए सर, जो ए पार्ट है उसमें सी आंसर होगा ना, सी प्रोडक्ट। क्या चीज? जो ए आंसर पूछ रहा है ना, मोस्ट प्रॉफिटेबल जो है वो ये रहा, सी बी और ए तीनों बनेंगे। ये मिक्स पूछ रहा है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा। वो ये पूछ रहा है क्या हो गया, मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स। मिक्स 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 का मतलब क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट को कभी मिक्स बोलते हो क्या? नहीं सर। फिर ये जो आप बना रहे हो ना, यही प्रोडक्ट मिक्स होता है। नाम देखो इस स्टेटमेंट का, तो ये जो आपने बनाया यही आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि प्रोडक्ट मिक्स ये बनेगा आपका। स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, लीजिए। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ए बी और सी। ए की आपने बनाई है 1000 यूनिट, बी की बनी है 2000 यूनिट, और सी की बनी है 2000 यूनिट। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट देख लीजिए कितना कितना है आपका। तो कॉन्ट्रीब्यूशन है 12, 10 और 6। 12, 10 और 6, 12000 तो ये आ गया, 20000 ये आ गया, और 12 ये आ गया। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 44000। बस यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि उसने हमसे यहां पर केवल और केवल क्या मांगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मांगा था, वो हमने निकाल दिया। सर अगर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता तो इसमें से लॉस आ रहा है, इसमें तो डिडक्ट करना होता ना। बिल्कुल, अगर प्रॉफिट मांगता तो फिक्स कॉस्ट लेस कर देते अपन। ठीक है, ओके सर, चले आगे। समझ में आ गया, बताइए। यस सर, यस सर। चलिए अब अगला की फैक्टर का क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नया होगा उसमें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 58, जून 2018। क्वेश्चन नंबर 58,
सीए में जून 2018। देखिए इसने क्या बोला है, अंकित लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 16-17। रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, पीवी रेशियो एज अ परसेंटेज दिया हुआ है। अब सुनना, अगर ए प्रोडक्ट का पीवी रेशियो 10% है तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 90% हो गया। अब इस बार उसने वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट ना देकर इस तरह से पूछ लिया, बी प्रोडक्ट में पीवी रेशियो अगर 20% है तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 80%। चलो फिर उसने नीचे एक और लाइन लिखी, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाली है उसमें रॉ मटेरियल का कंटेंट 50% है। यानी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट में 90% टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो 200 रुपए का 90% निकालो कितना हुआ, 180। तो 180 रुपए आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें 50% तो मटेरियल लगता है और बाकी की अदर कॉस्ट लगती होगी, तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी लग रही है, 90 रुपए। समझ लो, वापस सुनो, जैसे मान लो मैं बी प्रोडक्ट पर गया, बी प्रोडक्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 80%, तो मैंने निकाला 150 का पहले तो 80% कितना आया, 120 रुपए। अब वो बोल रहा है कि ये जो 120 रुपए आपकी टोटल वेरिएबल लग रही है ना, इसमें 50% मटेरियल लगता है और बाकी का 50 अदर कॉस्ट होती है, तो अगर 120 रुपए टोटल कॉस्ट है तो 60 रुपए का क्या हो गया मेरा मटेरियल। आ जाओ फिर, आपको मैक्सिमम सेल्स दे रखी है, फिक्स कॉस्ट 12 लाख है। सुनना, द फर्म यूजेज सेम रॉ मटेरियल इन ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई और टोटल रॉ मटेरियल आपके पास 36 लाख रुपए का है, तो बताओ इस बार की फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल इन वैल्यू। हमारे पास इस बार जो की फैक्टर है वो है रॉ मटेरियल इन वैल्यू। मेरे पास रॉ मटेरियल इन वैल्यू की फैक्टर है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ रॉ मटेरियल। आपकी बार रॉ मटेरियल क्वांटिटी की फैक्टर नहीं है, आपकी बार जो की फैक्टर है वो क्या है, रॉ मटेरियल इन रुपी मेरा की फैक्टर है। बोलो क्या ये पॉइंट समझ आ गया, तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। मेरा की फैक्टर क्या है वो समझ में आना चाहिए बस आपको। आइए स्टेप वन, वही रैंकिंग स्टेटमेंट बनाएंगे ए बी और सी। सेलिंग प्राइस बताइए, 200 रुपए, 150 और 100 रुपए। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले में हो गया 200 का 90%, 180। 90% सबको समझ आ गया कहां से आ गया, क्योंकि आपको पीवी रेशियो दे रखा है। चाहो तो मैं यहां पर लिख देता हूं 100 माइनस पीवी रेशियो, तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा। इधर आपके पास आएगा 150 का 80%, तो 120 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई, और यहां 100 का 6%, ये लीजिए ये आपके पास आ गई है।
कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, अब मुझे इस बार ध्यान से सुनना, क्योंकि रॉ मटेरियल इन रूपी टर्म्स कांस्टेंट है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगता है। सुनो बहुत ध्यान से, जब रॉ मटेरियल क्वांटिटी की फैक्टर है तो मैं यहां पर लिखता हूं कि एक यूनिट को बनाने में कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगेगा। अगर रॉ मटेरियल रूपी टर्म्स में कांस्टेंट है तो मैं यहां लिखूंगा कि एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। अगर यहां लेबर आवर्स है तो मैं यहां लिखूंगा कि एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर्स लगेंगे। अगर लेबर कॉस्ट मेरी रुपी टर्म्स में अगर की फैक्टर है तो मैं यहां लिखूंगा एक यूनिट को बनाने में कितनी लेबर कॉस्ट मेरी लगेगी। जो चीज की फैक्टर है उसकी पर यूनिट वैल्यू चाहिए बस मुझे। तो आओ, उसने क्वेश्चन में पहले ही ऊपर डिफाइन कर दिया, आपकी जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट लगी है उसका 50% रॉ मटेरियल लगता है। तो यहां पर एक यूनिट को बनाने में 90 रुपए का रॉ मटेरियल लगा होगा, यहां एक यूनिट को बनाने में 60 रुपए का रॉ मटेरियल लगा होगा और यहां एक यूनिट को बनाने में 30 रुपए का रॉ मटेरियल लगा होगा। तो अब मैं निकाल लूंगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल निकाल लूंगा। मैं 20 रुपए कमाऊंगा 90 रुपए खर्च करके, 20 रुपए कमाऊंगा 90 रुपए खर्च करके, तो 0.22 कमाऊंगा। 30 रुपए कमाऊंगा, 30 रुपए कमाऊंगा 60 रुपए खर्च करके, तो 0.50 कमाऊंगा। 40 रुपए कमाऊंगा 30 रुपए खर्च करके, 40 डिवाइड बाय 30, 1.3। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ रॉ मटेरियल। रैंकिंग दे दो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और ये लीजिए, ये मेरा पहला स्टेटमेंट बन गया विच इज कॉल्ड रैंकिंग स्टेटमेंट। ये लीजिए, ये मेरे पास क्या बना दिया मैंने, रैंकिंग स्टेटमेंट। अब प्रोडक्ट मिक्स का स्टेटमेंट बनाएंगे हम, बना लिया सबने। बताइए मेरे पास कितनी वैल्यू का मटेरियल अवेलेबल है। 36 लाख। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल, सर इसमें ऐसे लिख सकते हैं टोटल रॉ मटेरियल एंड वैल्यू अवेलेबल, कुछ भी लिख सकते हो। और वैसे भी अपने को, आपको तो ये चीजें अब लिखनी नहीं है, ये फॉर्मेट तो अपने अपन में बनवा रहा हूं आपके पास, तो अब डायरेक्टली आपको तो एक रफली निकालना है, तो आपको ये सारा डेटा अब लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। बस ये मैं आपको इसलिए था कि आपको वो फॉर्मेट याद हो जाए, आपको तो स्पीडली निकालना होगा, तो फटाफट आप 36 लाख लिखोगे, प्रोडक्ट जो जो बनाते जा रहे हो वो माइनस करते जाओ तो आंसर आता जाएगा। अच्छा सर, इतना वो देने की जरूरत, अरे तो तुम ऑनलाइन पेपर होगा ना, तो ऑनलाइन में ये थोड़ी लिखोगे इतना,
सिर्फ उनको तो आप लास्ट आंसर, वो तो आपसे एक आंसर मांगेंगे पांच नंबर में कि प्रॉफिट कितना कमाया ये निकालकर बता दो। तो आपको जो लिखना पड़ेगा वो केवल प्रॉफिट का अमाउंट, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट निकालने के लिए आपको ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब बस अंतर इतना है कि क्या वो आपसे ये बोलते हैं कि इनको रफ शीट में अपने पर करो या प्रेजेंटेशन से करो। ठीक है, थोड़ा सा साफ, बस आपको जैसे भी लिखना है शॉर्ट में आप लिख सकते हो। मेन बात ये हो जाएगी कि आपके पास बस वर्किंग की स्टेप्स आपको प्रॉपरली बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब ये स्टेप्स बनाओगे, उसने तो लास्ट आंसर मांग लिया कि भैया ये बता दो प्रॉफिट क्या कमाओगे, लेकिन आपको तो प्रॉफिट निकालने के लिए रैंकिंग स्टेटमेंट भी चाहिए, फिर प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट भी चाहिए, और तब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनेगा आपका। आ जाओ, प्रोडक्ट फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ सबसे पहली रैंक किसकी आई है? सी। सी बनाऊंगा। सी की मार्केट में डिमांड कितनी है? 10,000 बना दो। सी की एक यूनिट को बनाने में 30 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है? सर 40 है। 40 का है, 30 रुपए तो लग रहा है रॉ मटेरियल तो। कंट्रीब्यूशन पर, अच्छा इसमें तो वैल्यू है ना। हाँ, 30 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो बताओ 30 रुपए का रॉ मटेरियल अगर मैं लगाऊंगा और 10,000 यूनिट बनाऊंगा, तो 10,000 × 30 मेरे पास से 3,00,000 रुपए का मटेरियल यूज हो जाएगा। अब मेरे पास कितना बचेगा? 33,00,000। अब मेरे पास 33,00,000 रुपए का मटेरियल बचा हुआ है। ध्यान रखना ये रुपी टर्म्स चल रहा है इस बार। सेकेंड रैंक किसकी थी? सभी। बी की कितनी यूनिट बनेगी? 25,000। एक यूनिट को बनाने में कितने रुपए का मटेरियल लग रहा था? 60। तो 25,000 को बनाने में कितना लग जाएगा? 25,000 × 60 15,00,000 रुपए का मटेरियल इस प्रोडक्ट को बनाने में लग जाएगा। ये लीजिए, बिल्कुल एक ही पैटर्न है। अब बचा कितना? इस 18,00,000 यही बनाओगे अब तो? लो पूरा 18,00,000 यूज कर लोगे ताकि ये निल हो जाए। एक यूनिट को बनाने में 90 रुपए का मटेरियल लगता है, तो बताओ 20,000 यूनिट्स। यहां मैंने लगा दिया कि भैया 18,00,000 रुपए खर्च करूंगा और 90 रुपए पर यूनिट का मटेरियल लगाऊंगा, तो बताओ मेरी कितनी यूनिट बन जाएंगी? ये लीजिए, ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट बन गया, प्रोडक्ट मिक्स स्टेटमेंट, कि मेरे पास अगर 36,000 रुपए लिमिटिंग फैक्टर हैं, तो मैं ए की 20,000 यूनिट, बी की 25,000 यूनिट और सी की 10,000 यूनिट बना पाऊंगा और मेरे 36,00,000 रुपए के मटीरियल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। बोलो अब क्वेश्चन कर रहे हो तो इजी लग रहा है फॉर्मेट बिल्कुल? हाँ सर। हाँ सर। आ जाओ अब तीसरा हमें बनाना है प्रॉफिट स्टेटमेंट। अच्छा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले टोटल कंट्रीब्यूशन ए बी और सी। ए की बनाएंगे 20,000 यूनिट, हमने बी की बनाई है 25,000 यूनिट और सी की हमारी बनी थी कितनी? 10,000 यूनिट। अब देखो इनसे कंट्रीब्यूशन कितना कितना कमा रहे थे आप, 20, 30 और 40। तो 20,000 × 20 यानी 4,00,000 रुपए तो यहां
25,000 × 30 7,50,000 का कंट्रीब्यूशन यहाँ और 10,000 × 40 4,00,000। तो यानी आप टोटल कंट्रीब्यूशन कमाओगे 15,50,000। और इसमें से हम लेस कर देंगे 12,00,000। तो लीजिए आपके पास प्रॉफिट है 3,50,000। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बताइए, ये आपके पास प्रोडक्ट मिक्स को लेकर के आ जाएगा कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड हैं तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक चीज वो की फैक्टर में दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। अगर उसका 10,000 ही होता तो 10,000 बन जाता पूरा, फिर जानते हो, लेकिन फिर है ना ये सिचुएशन की फैक्टर की बनती नहीं। फिर की फैक्टर कहां बनता, याद करो की फैक्टर का मतलब क्या बताया था मैंने कि आपके पास वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन यहां तो फिर आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी कहां हुई। अगर मान लो आप सी भी पूरा बना सकते हो, बी भी पूरा बना सकते हो और ए भी पूरा बना सकते हो, तो फिर लिमिटिंग कहां हुआ, आपके पास तो फिर क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल है, तो आपके पास तो फिर क्या बच जाएगा, आपके पास तो ऑटोमेटिकली जो रॉ मटेरियल है वो स्पेयर बच जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, करने को तो फिर इसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में फिर वो की फैक्टर लगा ही नहीं, क्योंकि की फैक्टर का हमेशा मतलब ये होता है कि आपको जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो तो कम है और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ही वो लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर कहलाता है। की फैक्टर का मतलब ही क्या था, अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था की फैक्टर का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, समथिंग इज इन शॉर्ट सप्लाई, और शॉर्ट सप्लाई का मतलब होता है कि मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है ना मेरे पास उससे कम क्वांटिटी का अवेलेबल है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा अवेलेबल हुआ तो फिर वो मेरा की फैक्टर कहलाएगा ही नहीं। नहीं आएगी एग्जाम में की फैक्टर सिचुएशन में, कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी आपके पास। की फैक्टर की सिचुएशन ही तभी बनती है जब आपके पास अवेबिलिटी कम होगी। तो बताइए, आपको मेरे हिसाब से अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीन मैंने आपको लेकर, अब इसके बजाय लेबर आर्स भी हो सकता है, इसके बजाय लेबर कॉस्ट भी हो सकती है आपके पास। तो आपके पास जिस चीज को लेकर के उसने की फैक्टर बोला, हम बस उस की फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम कर लेंगे।